नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। मोदी सरकार में भारत और मालदीव के बीच कूटनीतिक रिश्ते और मजबूत हुए। भारत के लिए मालदीव की क्या अहमियत है, इस बात का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि पीएम मोदी जब साल 2019 में दोबारा सत्ता में लौटे तो उन्होंने अपनी पहली विदेश यात्रा के तौर पर मालदीव को ही चुना। भारत हर मुश्किल समय में मालदीव के साथ खड़ा नजर आता। भारत जैसा दोस्त पाकर खुद मालदीव भी धन्य हो गया। वहां के खेल मंत्री अहमद महलूफ ने तो यहां तक कह दिया कि मालदीव की मदद के बदले भारत हमसे क्या मांगता है, हमारी जमीन नहीं बस दोस्ती। भारत की तरफ से मिलने वाली मदद का हवाला देते हुए मालदीव के खेल मंत्री अहमद महलूफ ने ट्वीट कर कहा, भारत हमेशा प्रतिकूलताओं को दूर करने में हमारी मदद करने वाला पहला देश रहा है। चाहे 3 नवंबर का हमला हो, पानी की समस्या हो, सुनामी हो और मालदीव में लोकतंत्र कायम रखना, सिर्फ स्पोर्ट्स सेक्टर में ही भारत ने $47 मिलियन का अनुदान दिया। बदले में भारत क्या चाहता है, हमारी जमीन नहीं बल्कि दोस्ती। मालदीव के खेल मंत्री को धन्यवाद देते हुए भारतीय खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने ट्वीट किया, थैंक यू मेरे दोस्त, भारत और मालदीव की दोस्ती की परंपरा बरकरार रहे। भारत की मदद से मालदीव के एक्विन में सिंथेटिक ट्रैक भी बनाया जा रहा है। मालदीव के खेल मंत्री ने बताया कि 9200 स्क्वायर मीटर का ये स्टेडियम 11 नवंबर तक पूरा हो जाएगा। खेल मंत्री अहमद महलूफ ने भारत सरकार से मिली वित्तीय सहायता के लिए धन्यवाद भी दिया। मालदीव में स्थित इंडियन एम्बेसी ने भी खेल मंत्री के ट्वीट पर कहा, भारत खेल के क्षेत्र में विकास के इस कार्य के लिए मदद करके बहुत खुश है। पीएम मोदी भी जब 2019 में मालदीव गए थे तो उन्होंने क्रिकेट कूटनीति के तहत वहां के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलह को एक बल्ला भेंट किया था, जिस पर 2019 वर्ल्ड कप खेलने वाले क्रिकेटर्स के हस्ताक्षर थे। मालदीव में खेल खासकर क्रिकेट के विकास के लिए भारत हर संभव मदद कर रहा है। यही नहीं, मालदीव के क्रिकेटरों को ट्रेनिंग देने के लिए सरकार बीसीसीआई के साथ मिलकर काम भी कर रही है। मालदीव के क्रिकेटरों को ट्रेनिंग देने के लिए, कोचिंग कार्यक्रम आयोजित करने के लिए और किट मुहैया कराने के लिए बीसीसीआई का एक दल मालदीव का दौरा भी कर चुका है। मालदीव के दौरे पर गए पीएम मोदी ने वहां की मजलिस यानी संसद को संबोधित करते हुए बताया था कि भारत के लिए मालदीव की कितनी अहमियत है। आप भी सुनिए पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण। नेबरहुड फर्स्ट हमारी प्राथमिकता है और नेबरहुड में मालदीव की प्राथमिकता बहुत स्वाभाविक है। इसलिए आपके बीच आज मेरी उपस्थिति संयोग मात्र नहीं है। पिछले दिसंबर में राष्ट्रपति सोली ने भारत को अपना पहला गंतव्य बनाया था और अब मालदीव का स्नेहपूर्ण निमंत्रण मुझे मेरे इस कार्यकाल में पहली विदेश यात्रा पर मालदीव ले आया है। इस यात्रा में विदेशियों के लिए आपके देश के सबसे बड़े सम्मान से भी मुझे नवाजा गया है। मेरे पास धन्यवाद देने के लिए शब्द नहीं। अध्यक्ष महोदय, भारत और मालदीव के संबंध इतिहास से भी पुराने हैं। अनादि काल से सागर की लहरें हम दोनों देशों के तटों को पखार रही है। ये लहरें हमारे लोगों के बीच मित्रता का संदेश वाहक रही है। हमारी सभ्यता और संस्कृति इन तरंगों की शक्ति लेकर फली फूली है। हमारे रिश्तों को सागर की गहराई और विस्तार का आशीर्वाद मिला है। विश्व के सबसे पुराने बंदरगाहों में से एक लोथल मेरे होम स्टेट गुजरात में था। 2500 साल से भी पहले लोथल और बाद के समय में सूरत जैसे शहरों के साथ मालदीव के व्यापारिक संबंध रहे। मालदीव की कौड़ियां भारत के बच्चों तक ही की प्रिय रही है। संगीत,
वाद्य यंत्र रस्म रिवाज ये सब हमारी साझा विरासत के ज्वलंत उदाहरण है। दिवेही भाषा को ले, वीक को भारत में हफ्ता कहते हैं, दिवेही में भी दिनों के नाम देखें, संडे इज आदि था इन दिवेही, यह आदित्य यानी सूरत से जुड़ा है, सोमवार यानी मंडे, दिवेही में होमा जो सोम से यानी चंद्रमा से समानता रखता है, और वर्ल्ड को दिवेही में कहते हैं धुनिये, और भारत में दुनिया, और मालदीव में दुनिया एक प्रसिद्ध नाम भी है। दुनिया की तो बात ही क्या, भाषा की असमानता यहां से परे स्वर्ग और नरक तक भी फैली हुई है। इनके लिए दिवेही में सुवरुगे और नर का शब्द है, लिस्ट बहुत लंबी है, बोलता गया तो पूरा शब्दकोश बन जाएगा, लेकिन संक्षेप में कहूं तो हर कदम पर साफ है कि हम एक ही गुलशन के फूल हैं। इसलिए मालदीव की सांस्कृतिक धरोहर के संवर्धन, मैन्युस्क्रिप्ट के संरक्षण और दिवेही भाषा के शब्दकोश के विकास जैसे प्रोजेक्ट्स में मालदीव को सहयोग देना हमारे लिए बहुत महत्व रखते हैं, और इसलिए फ्राइडे मॉस के कंजर्वेशन में भारत के सहयोग की घोषणा करते हुए आज मुझे बेहद खुशी हुई। कोरल से बनी इस ऐतिहासिक मस्जिद जैसी दूसरी मालदीव के बाहर दुनिया में कहीं नहीं। मालदीव के निवासियों ने सैकड़ों साल पहले समुद्र की नेमत के मस्जिद के अद्वितीय आर्किटेक्चर की रचना की। इसे प्रकृति के प्रति उनके सम्मान और सामंजस्य का पता चलता है। खेद का विषय है कि आज सामुदायिक संपदा पर प्रदूषण के बादल छा रहे, ऐसे में इस विलक्षण मस्जिद का कंजर्वेशन इतिहास ही नहीं हमारे पर्यावरण के संरक्षण का संदेश विश्व को देगा। अध्यक्ष महोदय, मालदीव में स्वतंत्रता, लोकतंत्र, खुशहाली और शांति के समर्थन में भारत मालदीव के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहा, चाहे वह 1988 की घटना हो या 2004 की सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदा या फिर हाल का पानी का संकट। हमें गर्व है कि भारत हर मुश्किल में, आपके हर प्रयास में, हर घड़ी हर कदम आपके साथ खड़ा, आपके साथ चला है, और अब हमारे दोनों देशों में विकास, समृद्धि और स्थिरता के पक्ष में भारी जनादेश ने आपसी सहयोग के लिए नए रास्ते खोले हैं। राष्ट्रपति सोली की पिछली यात्रा में $1.4 बिलियन के इकोनॉमिक पैकेज पर सहमति हुई थी, उसके क्रियान्वयन में उत्साहजनक प्रगति हुई है। मालदीव के विकास के लिए भारत के सहयोग का अटल फोकस है। मालदीव के लोगों का सामाजिक आर्थिक विकास, चाहे द्वीपों में पानी और सफाई के विषय हो या इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण, चाहे स्वास्थ्य सेवा हो या शिक्षा, भारत के सहयोग का आधार होगा लोक कल्याण और मालदीव की जरूरतें और प्राथमिकता। हमारे दर्जनों सोशल इंपैक्ट प्रोजेक्ट्स और अन्य सहयोग कार्यक्रम मालदीव के लोगों के जीवन को नजदीक से छू रहे हैं और उनके जीवन को
बेहतर बनाने के आपके प्रयासों का पूरक बन रहे हैं।